हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ प्याज की भजियां जो बनती हैं, वैसे तो हम लोग सब बनाते हैं, कुछ अलग तरह से मैं बना रही हूँ। इसके बीच में मैं ये चीज़ स्टफ करके रखूँगी और फिर मैं बनाऊँगी, उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अच्छा लगेगा तो आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, इस पे कमेंट करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसके लिए मैंने क्या किया, 4 से 5 बड़े साइज के मैंने प्याज को लंबे लंबे टुकड़ों में चॉप किया है। ये हरी मिर्ची है, उसे भी मैंने महीन काट लिया है। थोड़ी सी कलौंजी है, अजवाइन, ये हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर, धनिया पाउडर, ये चुटकी भर गरम मसाला की पाउडर, ये चाट मसाला, ये मैंने कॉर्न फ्लोर लिया है 2 चम्मच के करीब, और ये थोड़ा सा राइस फ्लोर है, चावल का आटा मैं इसके साथ मिक्स करूंगी, और ये मैंने बेसन लिया है, और चीज को मैंने ये क्यूब्स में काट लिया है छोटे छोटे। स्वाद के हिसाब से इसमें नमक डालूंगी, और ये थोड़ी सी साबुत मसूर की दाल है, जो इसे भिंगो के नहीं रखना है, क्लीन करके तुरंत डालना है। इससे क्या होता है, पकौड़े ज्यादा कुरकुरे लगते हैं खाने में। तो मैं सबसे पहले इन सारी चीजों को मिक्स कर लेती हूँ। ये मैंने प्याज इसमें डाल दिए हैं, अब मैं स्वाद के हिसाब से इसमें नमक डाल दूंगी। ये मैंने इसमें 1.5 चम्मच के करीब नमक डाला, और मैंने जो ये मसाले लिए हैं ये सारे डाल दूंगी इसमें। कलौंजी और अजवाइन भी जाएगी इसमें। पहले मैं इन सारी चीजों को मिक्स कर दूंगी, फिर ये दाल जो मैंने लिया है धो के वो डाल दूंगी। वो बहुत कम ही मात्रा में डालनी है, ज्यादा मात्रा में डालनी नहीं है। धो के उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, भिंगो के नहीं रखने की जरूरत है। अब मैं इसको भी इसके अंदर मिक्स कर देती हूँ। अब मैं इसमें ये कॉर्नफ्लोर जो मैंने लिया वो डाल दूंगी, ये राइस फ्लोर डालूंगी, और मैंने जो ये बेसन लिया है वो डालूंगी। बेसन मैं देखती हूँ, ज्यादा बेसन इसमें नहीं पड़ते हैं, तो मैं ये पहले इसमें 3 चम्मच बेसन डालती हूँ। ये 3 चम्मच मैंने इसमें बेसन डाला है, और ये चाट मसाला जो मैंने लिया है उसे भी डाल दूंगी, गरम मसाला। सारी चीजों को मिक्स करके मैं मिर्ची बाद में डालूंगी, क्योंकि बच्चे खाते हैं तो आप अलग से उनके लिए निकाल के रख सकती हैं, फिर मिर्ची डालें, मिर्ची का तीखापन ज्यादा होता है। ये मैंने सारी चीजों को मिक्स कर लिया है। मैंने इसमें पानी अभी बिल्कुल ही नहीं डाला है, पानी डालूंगी तो हल्के हल्के हाथों से इस तरह से छींटा मार के पानी डाल के उसको मिक्स करना है, ज्यादा गीला नहीं करना है। मैंने ये पैन चढ़ा दिया, गरम हो रही है मेरी पैन, मैं इसमें ऑयल डालती हूँ। पैन मेरी गरम हो गया, मैं इसमें तेल डाल दूंगी। आप जिस तेल में चाहे, रिफाइंड में बनाए, सरसों तेल में, उसको मैं तेल डाल रही हूँ इसमें, क्योंकि मैं फ्राई करूंगी तो ज्यादा मात्रा में तेल जाएगी इसमें। ये तेल मेरी गरम हो गया, मैं इसमें से ये 1 बड़े चम्मच के करीब तेल निकाल के ये पकौड़े में इस तरह से डाल दूंगी। इससे क्या होती है, पकौड़े ज्यादा ही कुरकुरे बनते हैं। मैं इसको मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसमें ये कची हुई जो मैंने बारीक काट के रखी है मिर्ची, वो डाल के इसे मिक्स करूंगी। ये मिक्सचर मेरी तैयार हो गई है। मैं इस तरह से हाथों में पानी लगा लूंगी थोड़ा सा, और इस तरह से इसे हल्के हाथों से बनाना है, हल्के हाथों से, ज्यादा ये नहीं करनी है। और इसके बीच में इस तरह से मैं जैसे किसी चीज में स्टफिंग भरते समय करते हैं ना, और एक चीज का मैं ये ले लूंगी क्यूब्स, ही मोजरेला चीज होनी चाहिए, दूसरी चीज नहीं, जिससे कि चीज अंदर ही अंदर पिघल जाए। और इस तरह से हल्के हाथों से मैं बॉल तैयार कर लूंगी। ये तेल भी मेरी गर्म हो गई है, तेल एकदम गर्म भी नहीं करना है और एकदम ठंडा भी नहीं। तो अब मैं इसमें ये इस तरह से डाल दूंगी, और इसे मीडियम टू हाई पे पकने के लिए छोड़ दूंगी। ये मैंने इसके बॉल बनाए थे, ये इस तरह से मैंने डाल दिया है, और इसे पकने देंगे, जिससे इसके इस तरह से ऊपर से ऑयल डालूंगी, इसके अंदर की जो चीज़ है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। ये इस तरह से मैं ऑयल डाल के जब हो जाएगी तो इसे पलट दूंगी। ये मैंने इसे पलट दिया है, मैं इसे गोल्डन होने तक फ्राई कर लूंगी। गोल्डन हो जाएगी तो फिर मैं इसे निकालूंगी। ये काफ़ी स्वादिष्ट होती है खाने में, आप इसे वैसे भी पकौड़े बना सकते बिना चीज़ के भी, लेकिन ये कुछ अलग ही टाइप्स हैं स्टफ्ड चीज़ पकौड़े, चीज़ का स्वाद बड़ा ही अच्छा आता है इसमें।
इसे गोल्डन ब्राउन होने तक मैं तल लूंगी। ये पकौड़े मेरे ब्राउन हो गए और अंदर तक फ्राई हो गए हैं, ये देखिए। अब मैं इसे निकाल लूंगी। ये मेरे चीज वाले पकौड़े बनके तैयार हैं। एक को मैंने कट करके दिखाया, गरम है, ये देखिए कितनी अच्छी तरह से चीज भी इसकी पूरी तरह से ये हो गई है, और ये खाने में काफी अच्छी लगती है अंदर ही अंदर। आप लोग इस तरह से एक बार जरूर बनाइएगा। धन्यवाद।